कैसे हम लोगों के प्रति साजिश कर रहे हैं, इस बात को हम लोग यदि समझ जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं आप लोगों से ईमानदारी पूर्वक यह कहना चाहता हूँ, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। ये सतवीर जो है क्या किया, ये सतवीर जनरल सतवीर सबसे बड़ा दुश्मन है, गुंडा चोर है, चोर है। इसी की वजह से आज आरोपी में हम लोग साजिश में पड़े हुए हैं। इसने ही साजिश के तहत हम लोगों को आरोपी में हमारा जो परसेंटेज जो घटा, इस सतवीर की वजह से घटा। और ये सबसे बड़ा ठेकेदार बन के चल रहा है। यह बात जब हम जब सोल्जर समझ जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और 21वीं शताब्दी के सोल्जर समझेंगे अब वह बात दौर नहीं रहेगा जो पहले था। मैं आप लोगों को ईमानदारी से समझ, USO उसी का जो ये जो आज जो साझा मंच का जो परिकल्पना है कपिल जी का और हरपाल जी का और साहब का, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम आपने सोचा तो एक कदम आगे तो बढ़ाया। हाँ, इसमें बहुत सारी अभी हर्डल हैं, बहुत सारी इसमें अभी हमें तय करना पड़ेगा। उसको हम मिल बैठ करके तय करेंगे और उसकी बाधाओं को दूर करेंगे, क्योंकि हमारे में भी ऐसे लोग हैं, बहुत सारे विभीषण हैं। मैंने कई विभीषणों से बात किया, कह रहे बंधु छोड़िए, अब 21वीं शताब्दी में उनका पीछा छोड़िए, आ जाइए, चाहे हम बुरे हैं चाहे अच्छे हैं, आ तो जाइए। उनको तो आपने जनरल पीके सिंह को मंत्री बनाया, क्या बनाया, संतरी बनाया, सतवीर अभी प्रयास में लगा हुआ है ना, और ये एक नया अवतार हुआ है कर्नल लाइन। वो बोला कि मैंने अन्ना जी को जो है एक सर्टिफिकेट दिया हूँ साइन करके, अन्ना जी को। तो बोले अन्ना जी को कौन सा सर्टिफिकेट दिए हैं, आज कि मैं राजनीति नहीं करूँगा। बोले तो अन्ना जी को यह क्या अधिकार है, तुम ये आप जो है 19वीं शताब्दी के सोल्जर समझ रहे हो, अन्ना जी को क्या अधिकार है कि किसी को अधिकार भाई लिख के दे दो कि तुम राजनीति नहीं करोगे। भारत की मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में यह मौलिक अधिकार है, हर आदमी का अपना अपना मौलिक अधिकार है। हम आपके मौलिक अधिकार का हनन करते हुए कोई संगठन चलाते हैं तो हम अपने किसी संगठन से के आदमी से यह नहीं ले सकते हैं कि आप ये काम नहीं करोगे। आप कल मैं सर्टिफिकेट मांगूंगा कि अन्ना जी बोले कि अरे तुम अपने बीवी के साथ नहीं सोओगे कर्नल लाइन, इसका सर्टिफिकेट दे दो, ऐसा होता है क्या? ये हो नहीं सकता है। यदि किसी ने एफिडेविट दिया है तो वो गलत दिया है, और जो लिया है वो भी गलत लिया है, वो जेल जाएगा दोनों। और मैंने बोला है कर्नल लाइन को बोला है कि आप इसको लेके आइए, मैं आपको जेल भिजवाऊंगा। जिस एडवोकेट ने वो यदि एफिडेविट साइन किया है वो भी गलत एफिडेविट साइन किया है। भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई एफिडेविट नहीं साइन हो सकता है। जिसने साइन किया वो जेल जाएगा, और जिसने लिया है वो अभी क्वेश्चन में आएगा, और जो दिया है वो तो बात की बात है, वो तो ये है। तो इस तरह की समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। अब हमें ये अब क्या समस्याएं हैं आप लोगों को समझ रहे हैं, बहुत आप सभी लोग यहाँ अनुभवी आदमी हैं जो भी है। अब काम कैसे करना है और इसका समाधान क्या हो सकता है, इस पर मैं थोड़ा सा बोलूँगा। एक हम लोग जो है तो कोई अभी तक जितने बने हैं UFP क्या 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 बने हैं, हमारा एक अलग से जो आप लोगों ने जो परिकल्पना स्टार्ट की है, मैं उसमें कहूँगा कि उसका नाम हो USO, यूनाइटेड सोल्जर्स ऑर्गेनाइजेशन। हम आगे कुछ दिनों में कोर्ट में भी, और पहले भी लोग गए हैं, हम अभी भी जाने वाले हैं कि सोल्जर मतलब सोल्जर, ये जो डिफेंस ऑफिसर हैं जब अंदर रहते हैं तो अपने को सोल्जर कहलाना पसंद नहीं करते हैं, वो सोल्जर ये ऑफिसर ऐसे क्लियर बोलते हैं। लेकिन जब बाहर आते हैं सिविल में आते हैं तो मैं भी सोल्जर हूँ ऐसे बोल रहे हैं। ये सतवीर भी बोलता है कि मैं सोल्जर हूँ, और कौन है वो भी बोल रहा है कि मैं सोल्जर हूँ। लेकिन डिफेंस में जब ये रहते हैं, जब कैंपस के एरिया में रहते हैं, तो ये कभी अपने को सोल्जर कहलाना पसंद नहीं करते हैं। सोल्जर मतलब अछूत इनके लिए है। और जब बाहर आते हैं तो भाई हम भी सोल्जर तुम भी सोल्जर, 19-7 और 3 मिल जाओ, और हम लोग जो है हम जा करके वहाँ से वो आरोपी अपने लिए लेके आ जाएँ। इस तरह की ये साजिशों के लिए अपने को सोल्जर, हम बहुत जल्द इस मामले पे भी जाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाके, और कहने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से, मैं व्यक्तिगत तौर पर और संस्था के तौर पे जाऊंगा और कहूंगा कि ऑनरेबल जज से या कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ये सोल्जर और जो एक सर्विस मैन का है डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए। इस तरह का ये वर्ड जो लगा करके ये जो साजिश हम लोगों के खिलाफ रचा जाता है, इसका समापन का यही एक तरीका है, और वो होगा, इस पर भी मैं यही करूँगा। समय का इंतजार है, जो भी है, एक रातों रात कुछ होती नहीं है, होता नहीं है। अब हमें वो सब बात हम क्या करेंगे नहीं करेंगे बात की, हम आए हैं अभी आज के डेट में USO के लिए, सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो तो नाम मैंने रख दिया बोल दिया, लेकिन हम लोग आए हैं साझा मंच के लिए। साझा मंच है उसको कह लीजिए, जो उसका नाम दे लीजिए, जो नाम सबको सुनने में अच्छा लगे
जो नाम सबके काम के लिए कर्णप्रिय हो, है ना, और जो सबके लिए सुविधाजनक हो, है ना, वो साउथ का भी आदमी सुन ले, वो नॉर्थ का भी सुन ले, वो मिडिल का भी सुन ले, हर आदमी जिसके लिए जिसका नाम अच्छा हो, हर आदमी को समझ में आ जाए, वैसा एक नाम चुन लिया जाए। तो मेरे विचार से वो था नाम यूएसओ। यूएसओ साउथ के लिए भी यूएसओ कह लेंगे, नॉर्थ वाले कुछ कह लेंगे, मिडिल वाले कुछ कह लेंगे, वेस्टर्न वाले कुछ और कह लेंगे, ऐसे करके सबका नाम एक ऐसा होना चाहिए, यूनाइटेड सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म हो गया यूएसओ। अब इसका फंक्शनिंग क्या होगा, देखिए मैं एक बात बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बात करना चाहता हूँ, मेरे को क्योंकि मैं टाइम पास हम लोगों को नहीं करना है ना, कि ऐसे कुछ बना लिए टाइम पास हो रहा, ऐसा नहीं करना है। मेरा ये कहना है, अपने वैदिक ग्रंथों में, हिंदू सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा वैदिक ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ हैं, सब लोग पढ़े हैं, है ना, हर जगह उसकी चर्चा है। देवता और दानवों में लड़ाई हो रही है, देवता और दानवों में, तो दानव बार बार जीत जा रहे थे, ये पढ़िएगा, कहानी है हिंदू धर्म के ग्रंथों में मिलेगा, आप लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे जाके पढ़ेंगे। तो उसमें देवता और दानवों में लड़ाई हो रही थी, और दान